लोध जलप्रपात झारखंड में स्थित एक जलप्रपात है। इसे बूढ़ा घाग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 143 मीटर एवं समुद्र तल से ऊंचाई 137 मीटर है। ये बूढ़ी नदी पर बना है। लोध जलप्रपात बहुत खूबसूरत है और पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। लोध फॉल के रास्ते में कुछ मन को मोह लेने वाली गांव, भेड़ बकरी और कुछ जानवर, पेड़ पौधे, जल जंगल, पहाड़ और शुद्ध वातावरण से मन को बहुत आनंद मिलता है। रांची से लोध फॉल 192 किलोमीटर है और 4 घंटा 48 मिनट पहुंचने में लगता है। यहां की सुंदरता से मन बहुत खुश हो जाता है। लोध फॉल में कुछ रिफ्रेशमेंट की भी सुविधाएं हैं। लोध जलप्रपात को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लोग यहां पर पिकनिक मनाने, घूमने, फैमिली के साथ आते हैं और लोध फॉल की सुंदरता को अपने दिल में यादगार के रूप में वापस अपने घर ले जाते हैं। लोध फॉल को देखने के लिए आपको 200 सीढ़ी ऊपर चढ़ना होगा, तब आप उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। चूंकि ये शहर से ज्यादा ही दूरी पर स्थित है, जिसके चलते शाम 4 बजे के बाद आप लोग यहां जाने से बचे। यहां पर आपको शाम 4 बजे तक ही रहने दिया जाता है। इसके बाद आपको यहां से निकल जाने का सलाह दिया जाता है। यहां पर अकेले कभी न जाएं, हमेशा एक समूह में ही जाएं। लोध फॉल का सबसे सुरक्षित समय सुबह 8 से शाम 4 बजे के बीच है। ज्यादा घने जंगलों में न जाएं और न ही ऊंचे चट्टानों पर चढ़ें। वैसे तो देखरेख के लिए आदमी है, फिर भी अपनी सुरक्षा खुद से करें। लोध जलप्रपात को बूढ़ा घाग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। झारखंड के पलामू संभाग के लातेहार जिले में स्थित है। लोध जलप्रपात नीले पहाड़ियों और एक हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है, जो इसे खूबसूरत व्यू प्रदान करता है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी बूढ़ा नदी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 143 मीटर 469 फीट है। लोध जलप्रपात यह एक जबरदस्त ऊंचाई से गिरता है, जिससे मनोरम गड़गड़ाहट की आवाज पैदा करता है, जिसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी सुना जा सकता है। लोध फॉल बूढ़ा नदी पर अवस्थित होने के कारण इससे बूढ़ा घाग भी कहा जाता है। आज तक इस वॉटरफॉल के कुंड की गहराई को नापा नहीं जा सकता है। इसकी गहराई को मापने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। स्थानीय लोग गहराई नापने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को लंबी रस्सियों से बांधते थे, लेकिन शिलाखंड डूब गए और कोई निशान नहीं मिला। बूढ़ा घाग फॉल का निकटतम शहर नेत्रोट है। नेत्रोट, जिसे आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है, झारखंड का एक प्यारा हिल स्टेशन है। लोध नेत्रोट से भुसर घाघरा रोड के माध्यम से 60.4 किलोमीटर दूर है। लोध फॉल और आसपास के क्षेत्रों में जलवायु उष्णकटिबंधीय है। गर्मी के महीने मार्च से जून में तापमान 35 से 49 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इतनी ऊंचाई से गिरते पानी को देखने पर लगता है कि यह चांदी की कोई परत हो।
झरने का दौरा करने का सबसे अच्छा समय अगस्त में है, जब मानसून के कारण जल स्तर अधिक होता है। टाइप स्तरित ऊंचाई 143 मीटर, सबसे लंबी बूंद 143 मीटर 469 फीट, धार बुरहा नदी। लोद जलप्रपात पर्यटकों को अपने अवकाश का आनंद लेने के इच्छुक लोगों को प्राकृतिक रूप से आकर्षित करता है। लोद जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्राकृतिक सौंदर्य में धनी झारखंड पर्यटकों को विविध वनस्पति और घने जंगलों के बारे में, झरने का भ्रमण आदि की सुविधा देता है। लोद जलप्रपात एक तीखा झरना है। लोद जलप्रपात झरने के गिरने की गड़गड़ाहट की आवाज इसे भव्य और खूबसूरत बनाती है, जो 10 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देता है। बुरहा घाग, जिसे लोद फॉल भी कहा जाता है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऊंचाई से गिरते पानी के झरने, उसकी मधुर आवाज आपके मन और दिल को काफी खुशनुमा बना देगा। चारों ओर पहाड़ों से घिरा ये झरना उसकी सुंदरता को चार चांद लगा देती है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात होने के कारण यहां वर्ष भर पर्यटकों की भीड़ जुटी रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उतना कोई खास सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा 12 लोगों की तैनाती की गई है, जो वहां की रखरखाव और विधि व्यवस्था को देखते हैं। लोद जलप्रपात बुद्धा नदी से निकलकर उत्तरी कोयल में मिल जाती है। लोद जलप्रपात जाए तो अपने निजी वाहन से ही जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्यटन स्थल तक किसी भी प्रकार की गाड़ी नहीं जाती है, इसलिए अपनी निजी वाहन ही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। झारखंड का शाब्दिक अर्थ ही होता है वन प्रदेश। जंगल झाड़ की बहुलता के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ा। झारखंड जंगलों के बीच में बसा एक ऐसा स्थान है जो बताता है कि प्रकृति की आवाज दुनिया की सभी आवाजों से कितना अलग और सुंदर है। झर झर करते झरने, कलकल करती नदियाँ और चिड़ियों के चहचहाहट अनायास ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोद जलप्रपात का पानी अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण इसकी गहराई को अभी तक मापा नहीं गया है। गांव के लोगों के द्वारा बतलाया जाता है, लोद जलप्रपात की गहराई इतनी है कि 24 खाट या खटिया के बंधी रस्सी भी कम पड़ जाती है। ग्राम सभा में लिया गया पर्यटकों के लिए निर्णय। गत 1 नवंबर को लोद ग्राम में एक इको विकास समिति लोद की ग्राम सभा ग्राम प्रधान फ्रांसिस केरकेट्टा की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। इस ग्राम सभा में चटकपुर पंचायत की मुखिया रेखा नगेसिया एवं कोषाध्यक्ष राम दयाल राम मौजूद थे। ग्राम सभा में 3 नवंबर 2020 से लोद फॉल आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधाएं इको समिति द्वारा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके एवज में पर्यटकों से पार्किंग शुल्क फ्री तथा जलप्रपात को देखने के लिए प्रवेश शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। ग्राम सभा में कहा गया कि पर्यटकों से प्राप्त राशि पर्यटक एवं उनके वाहनों की सुरक्षा तथा साफ सफाई पर खर्च किया जाएगा। लोद जलप्रपात की अनूठी विशेषताओं में से एक ये है कि इसमें कई बूंदें हैं, जो पहाड़ियों के दोनों ओर से एक के बाद एक थोड़ी दूरी पर गिरती हैं।
अगर आप रुकने का सोच रहे हैं तो आपके लिए नेत्रोट पर रुकना सबसे अच्छा रहेगा। वहां पर आपको होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अन्य पर्यटन स्थल नेत्रोट हिल स्टेशन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू किला, पलामू राष्ट्रीय उद्यान, निचला घाघरी जलप्रपात है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।